पीएम के दौरे के बाद एक बार फिर प्रचार की धार को बरकरार रखने के लिए बीजेपी दूसरी बार कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी में है। आज दूसरे चरण की सीटों पर भी फोकस किया जाएगा। आज 93 सीटों पर 93 रैलियां होंगी। चुनावी रैलियों से अलग बीजेपी ने अपने 93 नेताओं का 93 विधानसभाओं में 3 दिनों का प्रवास कार्यक्रम लगाया गया है। इस दौरान एक नेता को एक विधानसभा में 3 दिनों तक रहकर पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करना होगा। ये सभी बीजेपी नेता रात्रि विश्राम भी उसी आवंटित विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। गुजरात चुनाव में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक छोटी बच्ची प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी का प्रचार करते नजर आ रही है। वीडियो में बच्ची गुजराती भाषा में बीजेपी का समर्थन कर रही है। इस वीडियो को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस वीडियो पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि पीएम छोटे बच्चे का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यह कानून का खुला उल्लंघन है। चुनाव आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहाँ है? गुजरात चुनाव में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक छोटी बच्ची प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी का प्रचार करते नजर आ रही है। वीडियो में बच्ची गुजराती भाषा में बीजेपी का समर्थन कर रही है। इस वीडियो को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस वीडियो पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि पीएम छोटे बच्चे का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यह कानून का खुला उल्लंघन है। चुनाव आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहाँ है? नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।